पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से आप पोल्ट्री शेड देख पा रहे हो दोस्तों, पूरा का पूरा पोल्ट्री का व्यू देख पा रहे हो, तो बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों के मन में एक सवाल होता है कि हमें पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसके रिलेटेड हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, किस तरीके से प्रॉपर पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाना है जिससे कि हमारा वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से होगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, कौन सी चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाते समय। तो आज का वीडियो नए पोल्ट्री फार्मिंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग या फिर जिनको नया पोल्ट्री का कंस्ट्रक्शन करवाना है वो लोग आज का वीडियो पूरा देखिए, जिससे कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के पूरी जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक के पोल्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन करवाने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, तो जैसे कि ये दोस्तों आप साइड हाइट देख पा रहे हो, यह हो गई सेंटर्ड हाइट, यह हो गई उसकी साइड हाइट, दोनों भी साइड की लेफ्ट और राइट। और आप सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को पता है कि पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाते समय दोनों भी जो साइड्स होती हैं वो वेंटिलेशन के लिए जाली लगानी होती है और जो डायरेक्शन होती है शेड की, यह पूरब साइड और यह मेरे पीछे की पश्चिम साइड, तो पूरब से लेकर पश्चिम साइड का आपका शेड होना चाहिए। इसका फ़ायदा एक ही होगा कि जो सूरज की जो धूप होगी वो डायरेक्ट आपके शेड के भीतर नहीं आएगी, ऐसे में गर्मियों के मौसम में धूप नहीं आएगी तो आपकी मुर्गियों का बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप साइड हाइट देख पा रहे हो दोस्तों शेड की, ये इस साइड की हो गई, वो उस साइड की हो गई। आमतौर पर अगर आपको पोल्ट्री शेड बनवाना है तो ये जो साइड हाइट होती है दोस्तों मिनिमम 7 फीट से लेकर 8 फीट होनी ही चाहिए, 100% मिनिमम 7 से लेकर 8 फीट साइड हाइट होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये सेंटर हाइट, मतलब ये सेंटर से लेकर ये जो ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है ये मिनिमम 10 फीट से लेकर 12 फीट तक के होनी चाहिए। आपकी सेंटर हाइट जितनी ज़्यादा होगी गर्मियों के मौसम में आपके शेड के भीतर का टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो आप अपने अपने एरिया के हिसाब से, आपके एरिया में कितनी ज़्यादा गर्मी है उस हिसाब से 1-2 फीट सेंटर हाइट कम या फिर ज़्यादा रख सकते हो, वही बात लागू होती है सेंटर हाइट पर भी। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अभी मैं बात कर लेता हूँ फाउंडेशन की। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो तो मैं बाहर से आपको एक बार फाउंडेशन दिखा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों ग्राउंड से लेकर तकरीबन 1.5 फुट ऊंची पर हमारा फाउंडेशन है, जिसके वजह से जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा, अभी बरसात आ गया है, ये बाहर में अभी फेंसिंग हमने लगाना शुरू कर दिया है और फेंसिंग के लिए जो भी लकड़ियाँ वगैरह ज़रूरी होती है, ये फेंसिंग के लिए जो लकड़ियाँ वगैरह होती है, बांस वगैरह होती है, ये अभी हमने गाड़ी भरकर लाया है जो अभी शेड के भीतर लोडिंग करना शुरू है। ठीक है, तो ऐसे में बरसात के मौसम में क्या होता है दोस्तों कि ज़मीन काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है, तो आपके शेड के भीतर का जो भी ग्राउंड होता है, फ्लोर होता है, वो गीला नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आपका पोल्ट्री शेड ज़मीन लेवल से 1.5 फीट मिनिमम ऊपर रखना होता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपका पोल्ट्री फीड आएगा उसके उसको रखने के लिए कुछ आपको अरेंजमेंट करानी होती है। देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ ज़मीन में बांस गड़ा दिए और उसके ऊपर में हमने टीन बिछा दिया है, उसी तरीके के अरेंजमेंट उस साइड में भी हमने करके रखी है। क्या होता है दोस्तों, बरसात के मौसम में ये जो ज़मीन होती है काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है, कई दफ़ा क्या होता है मुर्गियों को जो डायरिया वगैरह लगने की वजह से क्या होता है कि लीटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, ऐसे में जो अगर फीड होता है मुर्गी का खाने का अगर आप ज़मीन पर रखते हो तो वो नीचे से पूरी तरीके से गीला हो जाता है। तो पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाते समय फीड को ऊपर रखने के लिए इस तरीके से आपको कुछ अरेंजमेंट करवा लेनी है, जिससे कि इस तरीके के आपको फीड गीला होने की दिक्कत नहीं आएगी। अभी दूसरी बात, यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों हमारे शेड में पूरी तरह से देसी मुर्गियाँ भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पार्टीशन जैसे आप कुछ देख पा रहे हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी कुछ मुर्गियाँ चली गई है, तो इस तरीके से कुछ ये तकरीबन 15 से लेकर 20x20 की ये रूम हमने
सेपरेट बनाई हुई है। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर हम एक दरवाज़ा बनवा लेंगे, अभी उसको तैयार करने का काम शुरू है। तो ये स्पेशली हम क्यों कर रहे हैं और आपको ये क्यों करना है, देखिए, अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मुर्गियाँ बीमार जरूर गिरेगी, कि आप कितनी भी कोशिश करो कुछ ना कुछ तो मुर्गियाँ बीमार जरूर गिरेगी। तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई क्या करते हैं, पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन तो करवा लेते हैं लेकिन बीमार मुर्गियों को ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी प्रकार की रूम की अरेंजमेंट वो नहीं करवाते। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने 1000 स्क्वायर फीट के आसपास में अगर पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाया है तो बीमार मुर्गियों को तंदुरुस्त मुर्गियों से दूर रखने के लिए आपको एक सेपरेट रूम की अरेंजमेंट करवा लेनी है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि बीमार मुर्गी अगर अच्छी मुर्गियों से मिलेगी तो बीमारी वह दूसरे मुर्गियों को भी फैलाएगी, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए और बीमार मुर्गी अच्छी मुर्गियों में ना मिलने के लिए एक क्वारंटाइन रूम को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ तक के बात क्लियर होगी। अभी मैं आपको वाटर टैंक के रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप दोस्तों वीडियो में देख पा रहे हो, ऊपर में हमने ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक का इस्तेमाल किया है जो सफ़ेद कलर में आती है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई, जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, धूप में जो बाहर लगाने की टैंक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों, जैसे कि हमने शेड के भीतर ही वाटर टैंक यहाँ पर भीतर में लगवाई है और ये हमारी वाटर की पाइपलाइन यहाँ से गई है, तो इसी तरीके की वाटर टैंक का आपको आपके पोल्ट्री शेड के भीतर में इस्तेमाल करना है। उसका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों। पहली तो बात, जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जहाँ पर आपको वाटर लेवल पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देती है, इनकेस अगर आपकी वाटर का लेवल अगर कम हो गई तो अगर कोई आपका लड़का अनपढ़ भी है तो वो बड़ी आसानी समझ जाएगा कि टैंक की पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है तो उसको पानी भरना है। सबसे पहले तो फ़ायदा यह हो जाएगा। दूसरी बात, गर्मियों के मौसम में यह आपकी टंकी शेड के भीतर होने की वजह से शेड के भीतर टंकी का पानी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा, और यही बात ठंडियों के मौसम में टंकी भीतर होने की वजह से जो शेड के भीतर का टेम्परेचर गर्म होता है, गर्माहट होती है, उसी वजह से आपका पानी जो होता है टंकी का वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं गिरेगा। बहुत बार क्या होता है, टंकी आपकी बाहर में होने की वजह से रात के समय में आपके टंकी के भीतर का पानी काफ़ी ज़्यादा चिड़ हो जाता है और ये चिड़ हुआ पानी जब मुर्गी पीती है तो उसको सर्दी जुकाम लग जाता है। यही बात गर्मियों के मौसम में भी होती है। गर्मी के मौसम में ये आपकी टंकी बाहर होने की वजह से इसके भीतर का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और दोपहर के समय में जब ये मुर्गियाँ पानी, ये ड्रिंकर का पानी पीती है तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, साथ ही साथ गर्म पानी ड्रिंकर में से जाता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में देसी मुर्गियों के मुकाबले ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले पोल्ट्री फार्मर भाइयों की मुर्गियाँ शरीर में गर्माहट होने की वजह से और हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पलटकर मरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हिस्ट्रेस और हिस्ट्रोक की वजह से भी मरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाते समय बीमार मुर्गी के लिए एक सेपरेट रूम, फीड रखने के लिए एक अरेंजमेंट, ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक लगाना जरूरी है, साइड हाइट 8 फीट, सेंटर्ड हाइट 12 फीट, और वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर तरीके से जाली, हो सके तो पूरब साइड और पश्चिम साइड की तरफ दीवार रखिए और लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ आप जाली लगाइए। जाली भी आपको कौन सी लगानी है मैं एक बार वो भी आपको दिखा लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये तकरीबन 1.25 इंची की गेज वाली GI की तार है, तो इस तरीके की GI तार का आपको इस्तेमाल करना है जिसको जंग वगैरह नहीं लगता। बहुत सारे दोस्त भाई क्या करते हैं, जैसे कि हमने बाहर से कोई एक जाली लगाई है जिससे कि सांप बिच्छू वगैरह बाहर से नहीं आना चाहिए, इस तरीके के जाली का इस्तेमाल करता है दोस्तों। आपको ये GI तार के ऊपर में अगर इस तार को आप इस्तेमाल करते हो प्रोटेक्शन के लिए, कोई सांप बिच्छू नहीं आना चाहिए क्योंकि ये GI तार का गेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ऐसे में तो ठीक है, लेकिन बहुत पोल्ट्री फार्म मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 1/2 इंच वाली जो तार आती है उसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। पहली तो बात, इसको जंग भी लगता है और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो मैं ये की सेट करूँगा कि ये 1/4 इंची गेज वाली जो GI की तार होती है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, आपको मिनिमम 8 से लेकर 10 साल की लाइफ इसमें मिल जाती है। और 2-3 बातें आपको दोस्तों बता देता हूँ। अभी ड्रिंकर और फीडर की तरफ हम आ जाते हैं। पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाते समय जब भी आप पाइप फिटिंग करवाते हो तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में तकरीबन आपके 20 फीडर और 20 ड्रिंकर बैठने चाहिए। इस तरीके से आपको ड्रिंकर और फीडर लटकवाने की एक अरेंजमेंट करवानी होती है, ठीक है। तो दोस्तों 100 मुर्गियों के पीछे 2 ड्रिंकर और 100 मुर्गियों के पीछे 2 फीडर ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, चाहे फिर आपकी मुर्गी ब्रॉयलर की हो चाहे फिर आपकी मुर्गी देसी की हो। देखिए दोस्तों,
देसी मुर्गियों को 10 बर्तन और 10 फीडर सब मुर्गियों के पीछे चल जाता है, लेकिन जब बात गर्मियों की आती है तो ऐसे में उनका वाटर इंटेक बढ़ जाता है। इसी कारण मैं स्टार्टिंग से पहले से आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको पहले से ही सब मुर्गियों के पीछे 20 ड्रिंकर और 20 फीडर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप हमारे शेड में देख पा रहे हमारी देसी मुर्गियाँ है, तो देसी मुर्गियों की अरेंजमेंट करने के लिए आप किस तरीके से कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो, मैं बाहर से आपको एक बार नज़ारा दिखवा लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप बाहर का इन्वायरमेंट आप देख पा रहे हो, ये हमारी कुछ देसी मुर्गियाँ बाहर में हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, ये बाहर में पूरी तरह से दाना वगैरह खाती है। ये हमारा गेट हो गया, अभी धीरे धीरे हम यहाँ पर एक गेट बनवा लेंगे जिससे कि कोई भी दूसरा बाहर का आदमी भीतर में ना आए। इसकी अरेंजमेंट आपको भी करवा लेनी है। जैसे कि आप दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा बजट टाइट है, बजट कम है, तो ऐसे में आप नायलॉन के रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नायलॉन के जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पास से आपको वो नायलॉन की जाली दिखा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने इसमें नायलॉन जाली का इस्तेमाल किया है, अभी तक के इसको पूरी तरह से बांध के नहीं हुआ है, बस हमने यहाँ पर साइड बाय साइड पूरी तरह से बिछवा कर रख दिया। ये पूरा का पूरा एरिया आप देख पा रहे हो, पूरा एरिया हम यहाँ पर बिछा रहे हैं जिससे कि हमारी जो शेड के भीतर की मुर्गियाँ है ये बाहर में आएगी, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये जाली लगवाने के लिए हमने अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने ये बल्लियाँ बुलाए है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये दिखा ला, और यहाँ पर हम गड्ढे करा के यहाँ पर हम बल्लियाँ लगवा लेंगे और बल्लियों को सपोर्ट लेके इस तरीके की जो नायलॉन जाली होती है ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर मिनिमम 8 फीट के हाइट पर हम इसको खींचेंगे, जिससे कि जो भी हमारी देसी मुर्गियाँ है ये हमारे क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी। अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से आपका पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ मुर्गियों को बाहर फिरने के लिए वो स्ट्रेस से बाहर रहने के लिए आपको इस तरीके से जगह देनी चाहिए, साथ ही साथ इस तरीके से कुछ उनकी अरेंजमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ बरसात के मौसम में जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो पूरे शेड को हमने पीले कलर की टारप्लस की तरपाल लगाई हुई है, तो बरसात के मौसम में तरपाल लगाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी भी तरीके का टिन पर लीकेज नहीं होना चाहिए। जो तरपाल होते हैं दोस्तों बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर लोग इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात तो ठंडियों के मौसम में तरपाल लगाना इससे शेड के भीतर का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म रहता है, साथ ही साथ बरसात के मौसम में तरपाल के वजह से बाहर का जो पानी होता है वो आपके शेड के भीतर में नहीं जाएगा। शेड के भीतर में पानी जाएगा तो लीटर काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाएगा, ठीक है, इस बात को भी आपको खास ख्याल रखना है। और एक बात छूट गई थी दोस्तों वीडियो करते करते, ये जो स्लाइड का स्लोप देख पा रहे हो दोस्तों और यहाँ पर नीचे में आप पानी देख पा रहे हो, ठीक है, ये स्लोप भी शेड का पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाते समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिनिमम 1.5 फीट और 2 फीट, 1.5 से लेकर 2 फीट आपको स्लोप ये जाली से लेकर ये जो स्लोप होता है 1.5 से लेकर 2 फीट आपको बाहर करके रखना है, जिससे कि जो भी पानी आएगा वो डायरेक्ट आपके पोल्ट्री शेड के भीतर में नहीं जाएगा। तो इस तरीके के कुछ बेसिक बातों का आपको खास ख्याल रखना होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी का आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो के मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने के पहले अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो में अगर कुछ आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाजू में जो घंटी नुमा निशान है उसके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।